दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यानी कि सोशल मीडिया में अगर आप लोग काम करते हैं, यानी कि आप यूट्यूबर हैं या फिर रील्स बनाते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बिहार सरकार ने आप लोगों के लिए, यूट्यूबर्स क्रिएटर के लिए, यानी कि जो रील बनाते हैं उन लोगों की जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी उठा ली है। जी हाँ, सही सुना आपने कि बिहार सरकार के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया के क्रिएटर्स में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। जय, इस खबर को सुनते ही बिहार के क्रिएटर्स में धूम मची हुई है। डिजिटल युग के इस जमाने में दुनिया भर से लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करते हैं। जय, ऐसे लोगों के लिए बिहार सरकार का पर्यटन विभाग एक नया तोहफा लेकर के सामने आया है। बेहतरीन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वाले बिहार के युवाओं को सरकार की तरफ से हजारों रुपए का इनाम दिया जाएगा। जब बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम एवं पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया है। बीते शुक्रवार को बिहार सरकार के द्वारा एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के सारे छोटे से बड़े मशहूर क्रिएटरों को आमंत्रित किया गया था। जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए भारत देश के सभी मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं वीडियो क्रिएटर्स को बिहार आने का निमंत्रण दिया है। जानकारी देते हुए बताया है कि यहां हजारों की संख्या में पर्यटन स्थल मौजूद है, बस जरूरत है तो लोगों को यहां की सुंदरता से रूबरू कराने का, और ये काम सोशल मीडिया पर वीडियो और फिर फोटो डाल करके आसानी से किया जा सकता है। जैसे ही बड़े बड़े क्रिएटरों के द्वारा बिहार के पर्यटन स्थल की वीडियो और फिर फोटोज अपलोड की जाएगी, वैसे वैसे लोगों की रुचि घूमने के प्रति बढ़ेगी। आमतौर पर देखा जाए तो अब तक बिहार को लोग बाहरी राज्य में बेहद हल्के में नापते हैं, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में बिहार बहुत तेजी से विकसित कर रहा है और सरकार भी विकास कार्य तेजी से कर रहा है। जब दिन प्रतिदिन नए नए परियोजना के साथ पर्यटन स्थल की नव निर्माण किया जा रहा है, या इन सब के पीछे सरकार का मकसद है लोगों को बताया जाए कि बिहार में बहुत कुछ है। जहाँ सरकार के इस प्रयास से बिहार के लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 1 सितंबर से 14 सितंबर तक होने वाला है। जहाँ इस प्रतियोगिता में आम लोग भी शिरकत कर सकेंगे। इसका अहम उपदेश केवल और केवल बिहार के पर्यटन स्थलों की खूबसूरती को लोगों तक पहुँचाना है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि पर्यटन विभाग पर्यटकों को बिहार की पर्यटन स्थल का भ्रमण करने के साथ उन्हें जगह का प्रचार प्रसार कराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस रील मेकिंग प्रतियोगिता की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, ये अपडेट बस यहां तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।